ये रसीले मालपुए देखकर तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा, और अगर आपको ये पता लगे कि ये आटे से बने हैं तो क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्विक एंड ईजी मालपुए की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। इस स्वीट को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी या शुगर सिरप बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी या शुगर या शक्कर। तो जो पैन आप शक्कर यूज़ करने में लें उसी से पानी डालें। इसमें डाल देंगे दो इलायची जिसको कि हल्का सा मैंने क्रश कर दिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान या सैफ्रन या फिर जिसे हम केसर भी कहते हैं। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आँच पर अब हम इसको खौलाएँगे करीब 10 से 12 मिनट तक। तो इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो अब की जो शक्कर है वो नीचे लग जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए है, बस हमें अच्छे से थिक शुगर सिरप चाहिए है। तो इसको एक तार की चाशनी बिल्कुल ना बनाए। फिर देखिए हमारी शक्कर अब घुल चुकी है और अब हम इसको करीब 8 से 10 मिनट तक तेज़ आँच पर खौलाएँगे। चाशनी को पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं, तो आप देखें कि ये काफ़ी स्टिकी हो गई है। ये देखें स्टिकी हो गई है पर इसमें कोई भी तरह का तार नहीं आया है, तो बिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए। हम आँच को बंद कर देंगे और इसको साइड में रखेंगे और आइए अब अपने डो की तैयारी करते हैं। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1/4 कप सूजी लेंगे और इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे। तो ये सूजी जो है नॉर्मल हलवा बनाने वाली सूजी है। अगर आप बारीक वाली सूजी ले रहे हैं तो ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस सूजी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पीस लूँगी पहले। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप बारीक वाली सूजी यूज़ कर रहे हैं तो उसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें हम डाल देंगे सूजी का 3 गुना आटा। तो मैंने 1/4 कप सूजी ली थी तो मैं इसमें 3/4 कप जो है वो आटे का यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं आधी टी स्पून भर के इलायची पाउडर और 1/4 टी स्पून जो है ये सौंफ का पाउडर। बस सौंफ को आप हल्का सा कूट लें या पीस लें तो ये डलता है मालपुए में। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप छोड़ सकते हैं। और अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के दूध और आधा कप मतलब 1.5 कप भर के अच्छे से दूध डाल देंगे। इसमें दूध जो है बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, बॉयल किया हुआ मिल गए। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के मलाई। मलाई नहीं है तो आप क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, क्रीम नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एकदम फाइन बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम स्मूथ। तो मिक्सी में पीसने का इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत फटाफट तैयार हो जाता है बिना मेहनत किए और एकदम स्मूथ बैटर बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को जो है 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जिससे जो हमारी सूजी और आटा है वो अच्छे से फूल जाएगा और उसके बाद हम मालपुए तैयार करेंगे। बैटर को ढके हुए 15 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेंगे। हम इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे तो आप कंसिस्टेंसी देख लें, एकदम फ्लोई है और अपने आप ही गिर रहा है। बस मेन पॉइंट इसका ये होता है कि अगर बैटर जो है अपने आप से फ्लो हो पा रहा है इसका मतलब हमारा बैटर तैयार है। एकदम स्मूथ बैटर चाहिए इसी तरह का। और आइए अब हम मालपुआ बनाते हैं। इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने घी गरम किया और आप देख सकते हैं घी का लेवल, इसको बहुत ऊपर तक नहीं भरना होता है। बस आप जो पैन लें वो थोड़ा वाइट पैन लें। तो हम एक लैडल लेंगे और इस तरह से इसको ऊपर तक डालेंगे। तो ये देखिए अपने आप ही इसको फैल जाना चाहिए और इसमें तलते समय अच्छी सी जाली आ जानी चाहिए। हम इसको सिकने देंगे धीमी आंच पर जब तक इसके साइड्स जो हैं वो अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। हम इसको पलट देंगे, ये देखिए, और इसको सिकने देंगे। तो ये देखिए सिक कर बिल्कुल तैयार है। हम इसे निकाल लेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे एक दूसरे स्पून से और इसी तरह से हम बाकी के मालपुए भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने सारे मालपुए तल लिए हैं, एकदम क्रिस्प हैं, आप इसको पकड़ के देखें। और यहाँ पर मैंने चाशनी ली है तो चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म किया है दोबारा क्योंकि ये बिल्कुल ही ठंडी हो गई थी। अब हम इस मालपुए को चाशनी में इस तरह से डिप कर देंगे और मुश्किल से 2 मिनट से ज़्यादा डिप ना करें तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे मालपुओं को चाशनी में डिप कर दूँगी और फिर इनको निकाल लूँगी। तो मैंने इस मालपुए को एक प्लेट में रख दिया है, एकदम क्रिस्प और मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसा बना है। और हम इसको गार्निश करेंगे काफ़ी सारे नट्स के साथ, महीन कटे पिस्ते, बादाम और काजू के साथ। ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।